not a game. It's a rich thing. हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज एनिमल किंगडम देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से रहती है नीट में। चलिए तब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पूरा वन शॉट में पूरा रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट्स भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे सब कुछ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं गाइस। एनिमल किंगडम में सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस है इसका। अगर ये आपको नहीं पता तो आप कितना भी इस चैप्टर को पढ़ लें, आप नहीं अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल स्पॉन्जेस में पाया जाता है। ये इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी की लाइन से सारी सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं सेलुलर लेबर में, सब ये स्पॉन्जेस में पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर, सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। फिर टिश्यू लेवल बस एग्जांपल आपको याद रखना है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है। सिलेंटेटा और टीनोफोरा में पाया जाता है। फिर ऑर्गन लेवल में प्लैटीहेलमिंथस में पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्क्लेमेंथिस टू कॉर्डाटा में पाया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसे नाम है। पहले आता है पॉडीफेरा मतलब स्पॉन्जेस, फिर सिलेंटेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लैटीहेलमिंथस, देन एस्क्लेमेंथिस, देन एनेलिडा, देन ऑर्थोपोडा, देन मोलास्का, देन इकाइनोडर्माटा, देन हेमीकॉर्डाटा, देन कॉर्डाटा। ये आपको ये नाम इस सीक्वेंस में याद होने से ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए एक नोट देखते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे? जब एक ओपनिंग हो और वो दोनों का काम करता हो, माउथ का भी और एनस का भी, जैसा प्लैटीहेलमिंथस में पाया जाता है, तब उसको कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे? जब दो ओपनिंग हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ओपन टाइप। इसमें सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट, इसमें डायरेक्टली उससे बात होते हैं। फिर से इसका एग्जांपल क्या है, ओपन टाइप का ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा एंड हेमीकॉर्डाटा। क्लोज टाइप जो हम लोग में पाया जाता है, इसमें जो डायमीटर होते हैं वेजल्स के डायमीटर होते हैं वो वेरी करते हैं। एनेलिडा में पाया जाता है, सेफालोपॉड में पाया जाता है। मोलास्का का एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। मोलास्का में जो एक सेफालोपॉड है उसमें क्लोज टाइप पाया जाता है, नहीं तो बाकी सब मोलास्का में ओपन टाइप। एनसीईआरटी में नहीं दिया है फिर भी इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेट्स हम लोग में क्लोज टाइप पाया जाता है। सिमेट्री के हिसाब से देखें, असिमेट्रिकल स्पॉन्जेस में पाया जाता है, यानी कि पॉरीफेरा। रेडियल असिमेट्रिकल मतलब क्या, अगर हम उसको काटे तो कभी भी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम लोग असिमेट्रिकल कहते हैं। ऐसा किस में पाया जाता है? पॉडीफेरा में पाया जाता है। दूसरा रेडियल किस में पाया जाता है? सिलेंटेटा और टीनोफोरा में पाया जाता है। प्लस ये एनसीईआरटी में लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकाइनोडर्माटा का जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। इकाइनोडर्माटा के लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री, बट इकाइनोडर्माटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होता क्या है? रेडियल सिमेट्री जब काटे उसको तब दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, तब उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। फिर आता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री किसको कहते हैं? आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इनटू वन प्लेन। जब हम लोग काटे उसको तब वो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो, बट किस में? एक प्लेन में ओनली, तब उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ऐसा किस में पाया जाता है? प्लैटीहेलमिंथस टू क्वाड्राटा। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप सीक्वेंस वाइज नाम याद रखिए, सब बहुत हेल्प होगा। प्लैटीहेलमिंथस टू क्वाड्राटा में बायलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, बट एक एक्सेप्शन जो आपको बताया था, इकाइनोडर्माटा एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जर्मिनल लेयर।
डिप्लोब्लास्टिक, पहला है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें बस दो होता है, दो लेयर होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होता है। बट उसमें क्या होता है, मेसोडर्म के जगह मेसोग्लिया होता है, जो एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, प्रीकर्सर ऑफ मेसोडर्म बोल सकते हैं इसको, बट मेसोडर्म नहीं होता है। डिप्लोब्लास्टिक किसमें पाया जाता है, सिलेंटेटा एंड टीनोफोर्स, सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें मेसोडर्म भी पाया जाता है, एक्टो और एंडो के बीच में मेसोडर्म भी पाया जाता है, मतलब इसमें तीन लेयर होती हैं, तो इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक का, प्लैटीहेलमिंथेस से, प्लैटीहेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम, सीलोम होता क्या है, काफी लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी, बट बॉडी कैविटी को सीलोम नहीं बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी हो बट उसके साथ साथ उसको लाइन किया जाए मेसोडर्म से, तब हम उसको सीलोम बोलेंगे। फिर से आता है असीलोमेट, असीलोमेट मतलब क्या, जिसमें नो कैविटी, तो उसको असीलोमेट बोलेंगे। प्लैटीहेलमिंथेस इसका एग्जाम्पल है, ये असीलोमेट होता है। फिर से आता है स्यूडोसीलोमेट, मतलब इसमें क्या है, बॉडी कैविटी है बट नॉट लाइन बाई मेसोडम, बट मेसोडम से लाइंड नहीं हुए, जिसको ये किस में पाया जाता है, एस्क्लिमेंथिस में। इसका मैं एक ट्रिक देता हूँ, हम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है। इसका ट्रिक है एपी, एपी अगर आपसे बोले असीलोमेट कौन सा है, असीलोमेट, तो आप बोल देंगे प्लैटीहेलमिंथेस। अगर आपसे बोले कि स्यूडोसीलोमेट कौन सा है, तो आप बोल देंगे एस्क्लिमेंथिस, जो भी हो उसका उल्टा, ठीक है। सीलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी भी पाया जाता है प्लस मेसोडर्म से लाइन भी हो, ऐसा किसमें पाया जाता है, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। चलिए अब देखते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ हिज सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है मेटामेरिज्म, ये लास्ट ये अर्थों में पाया जाता है। ये देखिए क्या है, इस सेगमेंटेशन का जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ये ट्रू सेगमेंटेशन कहलाता है। ट्रू सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन पाया किस में जाता है, बॉडी मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड किया हो एक्सटर्नली और इंटरनली भी, तब उसको हम लोग सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। ऐसा पाया जाता है एनलीड्स में, ऑर्थोपोडास में और कॉर्डेट्स में, ठीक है। और ये जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये बोल सकते हैं आप इसमें पाया जाता है, बट ट्रू सेगमेंटेशन अर्थवर्म में पाया जाता है, हम लोग को देखा जाता है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड इन मेसोडर्मली डेराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा डेराइव्ड है, मेसोडर्मली, एनसीईआरटी की लाइन है, फॉर्मड ऑन डॉर्सल साइड। ये आता है क्वेश्चन, कहाँ, वेंट्रल साइड के डॉर्सल साइड, आपको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आपको डॉर्सल की जगह वेंट्रल दे देगा, कैसे भी दे देगा, आप फंस सकते हैं, इसलिए याद रखिए एनसीईआरटी की लाइन है। नोटोकॉर्ड्स, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्डेट्स, मतलब हम लोग जैसे नोटोकॉर्ड जिसमें पाया जाता है उसको कॉर्डेट बोलते हैं, जो एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है उसको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। नॉन कॉर्डेट्स कौन से है, पॉडिफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा आ जाता है, वो सब कॉर्डेट्स है। चलिए तब देखते हैं, अब नॉन कॉर्डेंस पढ़ेंगे पहले, उसके बाद कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं अभी दिखलाता हूँ आपको सीलोम के बारे में। सीलोम हमने पढ़ा कि सीलोमेट, सीलोमेट मतलब क्या, जो बॉडी कैविटी लाइंड बाई मेसोडम उसको कहते हैं सीलोम। तो देखिये सीलोम ये पहला है, ये है बॉडी कैविटी, ये है मेसोडम, ये है मेसोडम, ये और ये मेसोडम, तो ये दोनों तरफ से लाइंड है मेसोडम से कैविटी, इसीलिए इसको हम लोग सीलोम कहते हैं। और ये देखिए, ये है स्यूडोसीलोमेंट, ये स्यूडोसीलोमेंट पाया जाता है एस्क्लिमेंथिस में। देखिए ये कैविटी है, कैविटी है, और ये एक्टोडम है, ये एंडोडम है, बट इसमें कुछ पाया, देखिए ये कहाँ लाइंड है मेसोडम से, बट ये स्कैटर्ड पाउचेस पाए जा रहे हैं बस, ये मतलब
इसलिए हम लोग इसको स्यूडोसिलोमेंट बोलते हैं। इसमें देखिए ये कैविटी है, कैविटी इसमें मेसोडर्म से लाइन ही नहीं है, बस एक एंडोडर्म से लाइन है, इसलिए हम लोग इसको असिलोमेट कहते हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट हम पहला पढ़ेंगे, पहले एक बार ये देख लेते हैं किंगडम कैसे एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन सेलुलर लेवल पे असिमेट्रिकल जो हमने आज देख लिया है ऑलरेडी, पॉलीफेरा एनिमल हमेशा सब एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं याद रखिएगा, टाइम टिश्यू ऑर्गन सिस्टम जैसा कि मैंने बताया, रेडियल किस में पाया जाता है, टीनोफोरा सिलेंटेटा में, सिलेंटेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। फिर से बायलेटरल सिमेट्री सब में पाया जाता है, प्लैटिहेमिथिस एस्क्लेमेंथिस, बट इसमें विथ असिलोमेंट जो मैंने बताया आपको स्यूडोसिलोमेंट और सिलोमेंट। चलिए स्टार्ट करते देखिए मैंने आपको क्या बोला था, इकाइनोडर्माटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कैसा स्टेज है, लार्वा स्टेज है कि एडल्ट स्टेज है, उससे ये पता चलता है कि वो रेडियल है कि बायलेटरल है, याद रखिएगा एनसीईआरटी की लाइन है। चलिए पॉलीफेरा देखते हैं, पॉलीफेरा होता है जनरली ये मेराइन होता है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वाटर इंटर्स थ्रू माइनोट पोर्स कॉल ऑस्टिया से इंटर होता है, फिर से स्पॉन्जोसील में जाता है, स्पॉन्जोसील से फिर से ऑस्कुलम में जाता है, देन बाहर जाता है, देन पाथवे ऑफ वाटर इज फूड गैदरिंग, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट इसी से होता है, क्वानोसाइट काफी इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्जेस का, मतलब ये स्पॉन्जेस के सिवा और किसी में पाया नहीं जाता है क्वानोसाइट्स, इसको कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ये स्पॉन्जोसील को लाइन करता है एंड द कैनाल्स को, स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स को, कौन सा कैनाल, ये जो मैंने आपको बताया कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जाता नहीं आजकल बट पहले बहुत पूछा जाया करता था। चलिए देखते हैं, डाइजेशन इंटरसेलुलर है, बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल स्पॉन्जिन, सेक्स जो है नॉन सेपरेट है, मतलब हर्माफ्रोडाइट है, एक और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस हो रहा है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट्स, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। आपको फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता होगा, मैं आपको वीडियो का लास्ट में एक ट्रिक दूंगा, आप याद मत कीजिए अभी, बस मैं बता रहा हूँ आपको, लास्ट में एक ट्रिक दूंगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप उसको याद कर लीजिएगा तो आपका सब हो जाएगा। देखिए मैं आपको फ्लो ऑफ वाटर बताया, पहले ऑस्टिया से आएगा, फिर से स्पॉन्जोसील में जाएगा, फिर नॉस्कुलम में, देन आउटसाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। इसका एग्जांपल देखते हैं, साइकन साइफा है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, ये तीनों डायग्राम में दिया था आपको मैं दिखलाता हूँ, ये तीनों, ये है, ये साइकन है अनस्पॉन, यूस्पॉन्जिया है बाथिंग स्पॉन, ये स्पॉन्जिला है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जो मैंने ये सब पॉलीफेरा के एग्जांपल्स है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं, अब सिलेंटेटा इसको नाइडेरिया भी कहते हैं, ये क्या है, वो क्या था, वो था जनरली मैराइन, ये मोस्टली मैराइन है, ठीक है, इसे साइल है, फ्री स्विमिंग है, रेडिएटली रेडियल सिमेट्री है, मैंने ये सब आपको इसलिए बता दिया कि अब बार बार इसको बताना ना पड़े आपको भी, बस जब पढ़ना है नेक्स्ट टाइम तो आपको इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स है उसी को देखना है, बस आप ये एक बार पहले क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, तब आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार पढ़ने की कि रेडियल सिमेट्री है, ये है सिलोमेंट है, सिलोमेंट है। चलिए तब देखते हैं ऑरेलिया, इसका दो फॉर्म पाया जाता है, ऑरेलिया को हम लोग मेडुसा भी बोलते हैं और एडम्सिया को हम लोग पॉलिक भी बोलते हैं, अगर आपको
और एलिया एडम्सिया का ये दूसरा नाम याद रखने में तकलीफ होते हैं या फिर ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये देखिए डी डी एक ही में प्रेजेंट होगा, और एलिया में डी नहीं है तो मेडूसा में डी है तो डी, एडम्सिया एडम्सिया में डी है मतलब इसको हम लोग मेडूसा नहीं बोल सकते एडम्सिया को, क्योंकि डी एक ही में प्रेजेंट होगा एडम्सिया का पॉलिप। चलिए देखते हैं नाइडोब्लास्ट, इसके पास नाइडेरिया एक नाम कहाँ से डेराइव हुआ, नाइडेरिया इज द नेम नाइडेरिया इज डेराइव फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट नाइडोसिस्ट विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमाटोसिस्ट, ठीक है, इन नाइडोब्लास्ट सेल से प्रेजेंट ऑन द टेंटकल्स एंड द बॉडी, ये टेंटकल्स पर प्रेजेंट होता है नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पहले बता चुका हूँ, डिप्लोब्लास्टिक बता चुका हूँ, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इलो के पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है विथ ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है, इसको काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, पॉडिफेरा में हम लोग क्या देखा इंट्रा सेलुलर, बट डाइजेशन यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स, ये याद रखिएगा कोरल्स सिलेंटेटा का मेंबर हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इस साल काफी चांसेस है इस क्वेश्चन के आने की। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, मैंने आपको पहले ही बताया था पॉलिप एंड मेडूसा, पॉलिप को क्या कहते हैं एडम्सिया, अब मेडूसा को क्या कहते हैं ऑरेलिया, आपको पहले ही बता दिया डी एक ही में होना चाहिए। द फॉर्मल मतलब क्या है पॉलिप इस सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है, जो पॉलिप होता है सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है लाइक हाइड्रा एडम्सिया, ठीक है, वेयर एज द लेटर लेटर मतलब यहाँ मेडूसा, मेडूसा जो होता है मेडूसा मतलब ऑरेलिया वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, ये याद रखिएगा, यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये मेडूसा है अम्ब्रेला शेप्ड, ये है एडम्सिया, ठीक है। चलिए तब आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन जो हम लोग प्लांट्स में देखे थे, मेटाजेनेसिस इसको क्या कहते हैं हम लोग मेटाजेनेसिस, वहां पे क्या पढ़े हम लोग सेगमेंटेशन में मेटामेरिज्म, आप कंफ्यूज मत होइएगा मेटामेरिज्म ये है मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस मतलब टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जेनरेशन। देखिए एक ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिप प्रोड्यूसर्स मेडूसा, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडूसा एसेक्सुअली, ये याद रखने में बहुत तकलीफ होती है, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा आप काफी आसानी से याद रखेंगे, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेडूसा एसेक्सुअली बट मेडूसा फॉर्म करता है पॉलिप सेक्सुअली, ये किस में पाया जाता है ओबेलिया में पाया जाता है। चलिए मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, पीएम ठीक है, पीएम आप इंडिया का कोई भी पीएम ले सकते हैं, पीएम मतलब क्या दे आर मोस्टली, थोड़ा फनी ठीक है, पीएम मतलब क्या दे आर मोस्टली अनमैरिड, वो लोग मैरिड शादीशुदा नहीं होता है, तो वो लोग पीएम जब पीएम होगा तब एसेक्सुअली फिर से, बट जब एमपी होगा तो सेक्सुअली, ठीक है, वो भी लिए थोड़ा नॉटी ट्रिक है माफ कीजिएगा। इसका एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, फिजलारिया पुर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनेमोन, पेनाटूला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मेंड्रियाना ब्रेन कॉलर। इसका एक ट्रिक है आप लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और मतलब आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, एडम पास्ट फिजिक्स एंड गॉट मेडिकल कॉलेज, सबका सपना है मेडिकल कॉलेज लेने का ही, एडम पास हुआ फिजिक्स और मेडिकल कॉलेज लिया, एडम से एडम्सिया, पास से पेनाटूला, फिजिक्स से फिजलारिया एंड गॉट से गॉर्गोनिया, मेडिकल से मेंड्रियाना एंड कॉलेज से सिलेंटेटा, ठीक है, आप सब याद कर सकते हैं एडम्सिया का, बट ये नहीं कि आप एडम्सिया याद करके गए उसका दूसरा नाम सी एनिमोन याद नहीं किए, सी एनिमोन भी काफी इंपॉर्टेंट है वो भी याद कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं टीनोफोरा,
तीनों फोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखते हैं, इसको हम लोग सी वॉलनट्स और कॉम जेली भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है कॉमनली, इसको क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स एंड और कॉम जेलीज। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। ठीक है, पॉलीफेरा क्या था, जनरली मैराइन। सिलेंटेटा क्या था, मोस्टली मैराइन। बट टीनोफोड़ा क्या है, एक्सक्लूसिवली मैराइन। रेडियल सिमेट्री बता दिया हूँ, डिप्लोब्लास्टिक हम लोग जानते हैं, टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं। बॉडी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल लोब्स ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इन लोग के पास कॉम्प्लेट्स होता है, वो कैसा, 8 एक्सटर्नल रो का, वो क्या चीज में मदद करता है, वो लोकोमोशन में मदद करता है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन बहुत होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन हम लोग ने दोनों में देखा, पॉलीफेरा में इंट्रा सेलुलर होता है और सिलेंटेटा में भी दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। ऐसा इसमें भी पाया जाता है, टीनोफोड़ा में। बायोलुमिनेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। ये एक प्रॉपर्टी है, जैसा जुगनू में पाया जाता है, कि जो लाइट को इमिट करता है। ये टीनोफोड़ा में ही पाया जाता है। सेक्सेस नॉट सेपरेट होता है, सेक्स जो होता है नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स, यहाँ सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट मैंने आपको बोला, और फर्टिलाइजेशन मैंने बोला आपको बाद में दे दूंगा, बट फिर भी जान लीजिए इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। काफी कुछ, बहुत कुछ ही का एनसीईआरटी में दिया है एक्सटर्नल, इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है। डेवलपमेंट मैं आपको लास्ट में ट्रिक बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्राकिया टीनोप्लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। यहाँ प्लूरोब्राकिया का डायग्राम भी दिया है, आप देखिएगा। देखिए यह एट एक्सटर्नल रोस है, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, लसोसेल। लसोसेल किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लसोसेल कैरेक्टरिस्टिक्स है टीनोफोड़ा का। वो क्या चीज में हेल्प करता है, ये कैचिंग द प्रे, इन हेल्प्स इन कैचिंग द प्रे, कैचिंग प्रे को कैच करने में हेल्प करता है, पकड़ने में हेल्प करता है। चलिए अब देखते हैं प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है। ये हम लोग पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। इसका जो बॉडी होता है डोर्सो वेंट्रल होता है, डोर्सो वेंट्रल याद रखिए, फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसलिए इसको हम लोग फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। प्लैटीहेलमिंथिस का दूसरा नाम फ्लैट वर्म्स, ठीक है, याद रखिए, सबका दूसरा दूसरा नाम रखिएगा याद। पॉलीफेरा का स्पॉन्जेस, सिलेंटेटा का नाइडेरिया, टीनोफोड़ा का सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, प्लैटीहेलमिंथिस का फ्लैट वर्म्स। दे आर मोस्टली एंडो पैरासाइट, ये एंडो पैरासाइट होता है, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, बायलेट्रल सिमेट्रिकल मैं पहले ही बता दिया हूँ। टिप्लोब्लास्टिक है, असीलोमेट है, सब जानते हैं हम लोग, विथ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब आए एक इंपॉर्टेंट लाइन, हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। जो हुक्स एंड सकर होता है इसका, प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक फॉर्म में, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देखिएगा। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सेल्फ सरफेस, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, इसको सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या चीज में हेल्प करता है, ये ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्स इसमें भी सेपरेट नहीं होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वा स्टेज, मतलब इनडायरेक्ट। मतलब क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वा, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, लार्वा स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट, तब उसी को इनडायरेक्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसमें क्वेश्चन आया, मतलब अगर मैं बोलूँ 10 क्वेश्चन प्लैटीहेलमिंथिस आया है तो 7 से 6 बार प्लैनेरिया क्या इस लाइन से ही आया है। सम मेंबर्स लाइक प्लैनेरिया पोजेस हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी, प्लैनेरिया में हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी पाया जाता है। इसका एग्जांपल्स देखिए, टेनिया,
उसको टेप वॉर्म भी बोलते हैं, फैसियोला, फैसियोला इसको लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, इसका एग्जांपल है, इसका डायग्राम भी दिया है टेनिया टेप वॉर्म का, फैसियोला लीवर फ्लूक, दोनों नाम याद रखिएगा, TF आप शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं, और एक अगर याद हो जाए तो आप एक एक्स्ट्रा भी याद रख लीजिएगा, साइकोस्टोमा, इसको ब्लड फ्लूक कहते हैं। चलिए हम देखते हैं फाइलम एस्क्लेमेंथिस, ये सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग राउंड वर्म भी बोलते हैं। फिर से एक कॉमन नाम, दे आर फ्लियर लिविंग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल प्लस पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, दोनों में। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वी नो ऑलरेडी दैट। फिर से बायोलेटिकल सिमेट्रियल होता है, फिर से टिप्लोब्लास्टिक होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है, मैंने बताया था ट्रिक आपको, पी मतलब सीडोसिलोमेट दिया है तो एस्क्लेमेंथिस होगा, ए मतलब सिलोमेट दिया है तो प्लेटी हेलमेंथिस होगा। चलिए फिर से देखते हैं, एलिमेंट्री कैनल इसका कंप्लीट होता है, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है विथ वेल डेवलप मस्कुलर फैलिंग, इंपॉर्टेंट लाइन है आप याद रखिएगा, एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्ट, सिक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेपरेट होता है, मतलब डाइसियस है ये, मेल्स आर फीमेल्स डिस्टिंक्ट है, हम लोग उस दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और पहले ऐसा में किसी में नहीं था। इसमें देखा जाता है कि फीमेल्स लॉन्गर देन मेल, फीमेल्स आर लॉन्गर होती हैं मेल से, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, मैं आपको बताऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, डेवलपमेंट के ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक है आसिस आक्स्ट वेयर इज साइकिल, आसिस मतलब क्या, एस्क्लेमेंथिस, आसिस से एस्क्लेमेंथिस, आक्स्ट एस्कारिस, वेयर से उचेलिया, साइकिल से एनसाइक्लोस्टोमा, यहाँ पे देखिए एस्कारिस राउंड वर्म, यूचेरिया फिलारियर फॉर्म, इससे आपको पता होगा इसके बारे में, हम लोग ने डिजीज चैप्टर में भी देखा होगा अपने, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, यहाँ से अब होगा, मतलब सब में स्टार्ट होगा, ये सीक्वेंस वाइज है, तो इसमें फर्स्ट कंप्लीट, उसके पहले जितना भी था प्लेटी हेलमेंथिस सिलेंटेटा टीनोफोरा कोई भी किसी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ डायग्राम में भी दिया है, देखिए मेल का दिया है फीमेल का दिया है। चलिए अब देखते हैं एनालिड्स, एनालिडा दे आर एक्वाटिक होता है, मैराइन होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, टेरिस्टियर भी होता है, फ्री लिविंग भी होता है, समटाइम्स पैरासाइटिक पैरासाइट भी होता है, सब है ये, ऑर्गन सिस्टम लेवल ये जानते हैं, बायलेटरल जानते हैं, टिप्लोब्लास्टिक जानते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, हाँ ये नया लाइन है, ये हम लोग जानते हैं, मैंने बताया है, सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, एनालिड्स ऑर्थोपोड एंड क्वाड्रिस, ये याद रखिए, सेगमेंटेड एंड सिलोमेंट जानते हैं, द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू द सेगमेंट्स और मेटामेयर्स, ठीक है हम लोग जानते हैं, हिंस द फाइलम नेम एनालिडा, एनालिडा का मतलब क्या है, एक लैटिन वर्ड है एनोलस, उसको मतलब है लिटिल रिंग, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा मसल पोज करते हैं, इन लोग के पास लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल दोनों होता है, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, एक्वाटिक एनालिड्स लाइक नेरेसिस, एक्वाटिक कौन सा है एनालिड्स, नेरेसिस कैसा टाइप का एनालिड है, एक्वाटिक के टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक, ये क्या कहते हैं, एक लैटरल अपेंडेजेस है इसके पास, उसको कहते हैं पैरापोडिया, जो इसको स्विमिंग में हेल्प करता है, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे मैंने क्या बताया था एस्क्लेमेंथिस में बताया था कि फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था, यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट कंप्लीट होता है एनालिड से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए, फर्स्ट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एस्क्लेमेंथिस से, फर्स्ट कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनालिड से, और फर्स्ट कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम ये होता है ऑर्थोपोडा से, ये एनसीईआरटी का लास्ट वाला जो चार्ट है उससे ये पता लगाया गया है, और ऐसा होता है, मतलब चलिए तब
देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें भी, मतलब पाया जा रहा है पहली बार, बट इसमें क्लोज मतलब डायरेक्ट हाई लेवल, क्लोज को हम लोग हाई लेवल मानते हैं क्योंकि क्लोज हम लोग में भी पाया जाता है, हम लोग का भी सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, ठीक है। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया क्या है, सिंगुलर नेफ्रिडियम, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। हम लोग ने ये वर्ड पहले भी देखा, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये फ्लेम सेल काम करता था, बट किस में आपको याद है, प्लैटीहेलमिंथिस में, आपने सही बोला प्लैटीहेलमिंथिस में फ्लेम सेल ये काम करता था, बट एनालिडा में कौन काम करता है, नेफ्रिडिया। इसके पास न्यूरल सिस्टम के पास पेयर्ड गैंगलिया होता है, उसके बाद कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स, वो कनेक्टेड होता है लैटरल नर्व्स। बार बार बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि लैटरल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसा बहुत बार देखा गया है कि यहाँ लैटरल के जगह डॉर्सल दे दिया जाता है, वेंट्रल दे दिया जाता है, बट हम लोग उस पर गौर नहीं करते और हम लोग का क्वेश्चन गलत हो जाता है। लैटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरेसिस एक्वाटिक फॉर्म है, हम पहले से जानते हैं, ये डाइसियस होता है। बट अर्थफॉर्म लीचेस इसका एग्जांपल है जो, वो मोनोसियस होता है, ये याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल होता है। एग्जांपल देखिए, नेरेसिस फेरेटिमा अर्थफॉर्म का साइंटिफिक नेम, एंड हीरोडिनारिया ब्लड सकिंग लीच जोक भी कहते हैं। एक और एक याद रखिएगा, लुम्ब्रिकस भी इंडियन अर्थवर्म को बोलते हैं। ये सब एनालिडा में आता है, एनालिडा में देखिए ये दोनों डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। ये है फर्स्ट वाला नेरेसिस का एक्वाटिक फॉर्म का, ये है हीरोडिनारिया ब्लड सकिंग लीच, ये लीच है वही जोक जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। अब देखते हैं ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थोपोड्स, मतलब जितना भी स्पीसीज अभी तक नामकरण उसका हुआ है उसमें 2/3 ऑर्थोपोड में ही आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये इंसेक्ट्स को इंक्लूड करता है। देखें आगे देखते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जानते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है जानते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड होता है हम लोग जानते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होता है जानते हैं। द बॉडीज ऑफ अर्थोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, काफी इंपॉर्टेंट लाइन, द बॉडी इज कवर्ड, इसका जो बॉडी कवर होता है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्या, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, ट्रेकियल सिस्टम है। गिल्स किस में पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है प्रॉन में, बुक गिल्स पाया जाता है आपका किंग क्रैब में, लेमुलस लिविंग फॉसिल, फिर से बुक लंग्स पाया जाता है आपका स्कॉर्पियन में, फिर से ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है आपके इंसेक्ट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेना आईज कंपाउंड सिंपल होते हैं, ठीक है। फिर से स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। बैलेंसिंग ऑर्गन्स ऑफ ऑर्थोपोडा क्या है, स्टैटोसिस्ट, ये याद रखिएगा। स्टैटिक से आप याद रख सकते हैं, बैलेंस करता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफीजियन ट्यूबल्स, ये ओनली इंसेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, इंसेक्ट्स में मालफीजियन ट्यूबल्स एक्सक्रीशन होता है। अगर प्रॉन के बारे में देखें तो एंटेनल ग्लैंड से होता है, ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं इसको। फिर से दे आर मोस्टली डायसियस होता है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट होता है, और फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ये देखिए इसका एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एपिस हनी बी, ये सब इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। हनी बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्क वर्म सिल्क बनता है, बॉम्बिक्स मॉडी, लेसीफर लैक इंसेक्ट,
फिर से वेक्टर्स, एनोफिलिस वेक्टर्स, क्यूलेक्स, एड्स, एडिस, मॉस्क्यूटो, सब जानते हैं हम लोग ने पढ़ा है, ये वेक्टर्स है, सारे ऑर्थोपोडा के एग्जांपल्स है। ग्रीगेरियस पेस्ट आजकल फेमस न्यूज में चल रहा है, टिड्डी यही है, ग्रीगेरियस पेस्ट लोकस्ट, इसको हम लोग इंडिया में टिड्डी बोलते हैं। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल्स जिसमें अभी मैंने आपको बताया था उसमें बुक गिल्स पाया जाता है, इसी से उसका रेस्पिरेशन होता है, ये एक लिविंग फॉसिल है, इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा लिविंग फॉसिल जितना भी है लिविंग फॉसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किंग क्रैब इसका कॉमन नाम है, लिमुलस भी बोलते हैं। अब आता है मोलास्का, आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं, ये लोकस्ट का दिया है, टिड्डी का डायग्राम है, ये है बटरफ्लाई का, ये स्कॉर्पियन का है, ये प्रॉन का। अब आता है मोलास्का, मोलास्का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, समझे, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है ऑर्थोपोडा। मोलास्का टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक होता है, मैराइन होता है, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जानते हैं हम लोग, दे आर बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, बायोलेट्री सिमेट्रल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस एंड इज अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंट तो है हम लोग जानते ही है क्योंकि सेगमेंटेड तो तीन में ही है, एनलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा, तो इसलिए अनसेगमेंट है, बट बॉडी क्या चीज से कवर होता है, कैलकेरियस सेल से, ठीक है, विथ अ डिस्टिंक्ट, इसमें क्या होता है, हेड मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम्प, हेड मस्कुलर फुट विस्लर हम्प, उसमें क्या था, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, देखिए हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, बट इसमें नहीं है, इसमें है हेड मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम्प एंड सॉफ्ट अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, फॉर्म्स अ मेंटल, एक मेंटल को कौन फॉर्म करता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर विस्ट्रल हम्प, विस्ट्रल हम्प के ऊपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन मेंटल फॉर्म करता है, ठीक है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। द स्पेस बिटवीन हम्प मतलब विस्ट्रल हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, दो मेंटल कैविटी जो स्पेस होता है विसरल हम्प और मेंटल के बीच में उसको हम लोग मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें फीदर लाइक गिल्स, फीदर लाइक पंख लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस साल में भी इससे क्वेश्चन आए, गिल्स दे मतलब यहाँ गिल्स है, गिल्स इसका एकमात्र ऐसा गिल है जो दोनों काम करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, कभी आपने भी नहीं सुना होगा कि गिल्स कोई एक्सक्रीशन करता है, हम लोग मोस्टली सुनते हैं कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बट मोलास्का का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। फिर से द एंटेरियर हेड रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, एंटेरियर हेड रीजन पे पूछा जाएगा सेंसरी टेंटिकल्स कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखिए एंटेरियर हेड रीजन सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है। द माउथ कंटेंट्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ये इसका जो माउथ है एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इसके पास है, जो उसको फीडिंग में हेल्प करता है, उसको हम लोग रेडुला कहते हैं, इसका डायग्राम देख लीजिए, पाइला का एग्जांपल दिया है, ऑक्टोपस का दिया है, पाइला एप्पल स्नेल, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल है देखिए, दे आर यूजुअली डायसियस है मतलब सिक्स आर सेपरेट, ओविपेरस है, ठीक है, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो मैं बोला हूँ आपको लास्ट में बताऊंगा, इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स है, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, पीला पिंक एप्पल लो दांत से चबाओ सितंबर अक्टूबर में, थोड़ा बचकाना ट्रिक है, बट हम लोग को याद करने से मतलब है, ट्रिक कैसा भी हो हम लोग को बस क्वेश्चन लगना चाहिए, पीला पिंक, पीला से एप्पल स्नेल, पाइला, ठीक है, पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पिंक से पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, ये एक बार आया था मैच नीट का प्रीवियस ईयर में एक बार आया है, ठीक है, पिंक टाडा मतलब दिया था ऑप्शन सब में कौन सा पर्ल ऑयस्टर है, तो पिंक टाडा, एप्पल एप्लीसिया, ठीक है, लो लूलीगो, लोलीगो जिसको स्क्विड भी कहते हैं, डेंट डेंटेलियम, टक्स सेल भी जिसको कहते हैं, फिर से चबाओ, चबाओ से कीटोप्लियोडा जिसको हम लोग काइटन भी बोलते हैं, सितंबर से सेपिया, सेपिया को जिसको कटल फिश भी बोलते हैं, अक्टूबर, अक्टूबर से ऑक्टोपस जिसको हम लोग डेविल फिश भी बोलते हैं, चलिए इसका दो
डायग्राम अब तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब देखते हैं इकाइनोडर्माटा, ठीक है। इकाइनोडर्माटा एंडोस्केलेटन होता है, कैलकेरियस इसका भी होता है सेल। इसका नेम इकाइनोडर्माटा क्यों पड़ा? स्पाइनी बॉयल्ड, फिगर देख सकते हैं इधर जो दिया है। ऑल आर मैराइन, ये मैराइन होता है, सब इसके सब मेराइन पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग ने वहां देखा था। एक्सक्लूसिवली मेराइन किस में देखा था हम लोग ने? टीनो फोड़ा में, याद रखिएगा। द एडल्ट इकाइनोडर्माटा आर रेडियल, यह मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट लार्वा बायलेटिकल होता है, दे आर टिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ये याद रखिए। कंप्लीट के साथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल, मतलब लोअर होता है माउथ और वेंट्रल साइड पे, और एनस ऊपर, एनर अपर में होता है एंड डोर्सल साइड पे, ठीक है। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर जैसे पाया जाता है इकाइनोडर्मस का, उसका है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना कहीं भी लिखा हो, वाटर वेस्कुलेटर सिस्टम फाउंड ओनली इन इकाइनोडर्माटा, ठीक है। एक ऐसा ही सिस्टम पढ़ा था हम लोग ने, वाटर कैनाल सिस्टम, वो किसमें पाया जाता है? स्पॉन्जेस पॉरीफेरा में, ठीक है। ये क्या चीज में हेल्प करता है? हेल्प करता है लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेक्स आर सेपरेट होता है, डाइसियस है मतलब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, अभी तक दो बार आया है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एक इकाइनोडर्माटा में और एक टीनोफोड़ा में, इसलिए मैं बोला था आप एक्सटर्नल वाला सब याद रखिएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका। लार्वा कैसा है? फ्री स्विमिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग लास्ट लाइन पे गौर नहीं करते, आ जाता है इसका लार्वा कैसा है, फ्री स्विमिंग, ठीक है। इसका इसका एग्जांपल है एस्टेरियास, इकिनस, एंटीडॉन, कुकुमारिया एंड ऑफियोडा। इसका आप ट्रिक याद कीजिए, ए बी सी डी ई, ठीक है, बहुत इजी सा ट्रिक है। ए बी सी डी ई, ए से एस्टेरियास स्टारफिश, बी से ब्रिटल स्टार ऑफियोडा, सी से कुकुमारिया मतलब सी कुकुम्बर, डी से एंटीडॉन, सी लिली, ई से इकिनस, सी अर्चिन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डायग्राम भी दिया है, आप देख लीजिएगा। अब आता है हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा पहले इसको हम लोग कोडाटा में प्लेस किए थे, बट इसको हम लोग अब नॉन कॉर्डेस में प्लेस कर दिए, वो भी सेपरेट फाइलम के साथ। क्यों हम लोग पहले इसको कॉर्डेटा में प्लेस किए थे? क्योंकि उस समय एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता था इसके कॉलर रीजन में, उसको हम लोग कहते हैं अभी स्टोमोकॉर्ड, बट उस समय उसको समझा गया था कि ये भी नोटोकॉर्ड है, इसलिए हम लोग कॉर्डेटा में प्लेस किए थे। बट बाद में पाया गया कि स्टोमोकॉर्ड ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड है, बट नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नॉन कॉर्डेस में प्लेस किए। फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मैराइन एलिमेंट, वॉर्म लाइक, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जानते हैं, बायलेटिकल, सिमेट्रिकल, टिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, कंपोज्ड ऑफ, ये याद रखिए, एंटीरियर प्रोबोसिस ग्लैंड, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? प्रोबोसिस ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन होता है उसमें इसका हेल्प करता है प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट, डाइसियस होता है मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, अब तीन बार आ चुका है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एक टीनोफोड़ा में, एक इकाइनोडर्माटा में, एक हेमिकोडाटा में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है इसका, ब्लानोग्लोसस, सकोग्लोसस, इस ब्लानोग्लोसस का डायग्राम भी दिया है। अब इसका हे बेलन का साग ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, हे से हेमिकोडाटा, बेलन से ब्लानोग्लोकस, साग से सकोग्लोसस, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। अब आता है कॉडाटा, ठीक है, अब जिसमें हम लोग आते हैं, खुश हो जाइए, अब आप लोग का बारी आने वाला है। बाय द प्रेजेंस ऑफ, इसमें मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, एक डॉर्सल और डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेलेंजियल गिल सिल्ट जिसमें पाया जाता है, उसको हम लोग
कॉर्डेट्स बोलते हैं। कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसा कि एनालिड्स में पाया जाता था, एनालिडा में। ये याद रखिएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिडा और कॉर्डेट्स में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ये कंफ्यूज कर देता है, डायग्राम देता है। ये है लंबा वाला नोटोकॉर्ड, ये छोटा वाला थोड़ा नर्व कॉर्ड, ये गिल स्लिट्स है, पोस्ट एनल पार्ट है। ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेट्स का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, कॉर्डेट्स है नॉन कॉर्डेट्स में डिफ्रेंशिएट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए तभी होगा कॉर्डेट्स, एबसेंट है तभी नॉन कॉर्डेट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका डॉर्सल होता है, हॉलो होता है एंड सिंगल होता है। इसका वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, याद रखिए यार, तीनों इंपॉर्टेंट है। डॉर्सल हॉलो सिंगल, डॉर्सल हॉलो सिंगल। फिर से फेरिंग्स परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स पाया जाता है, गिल स्लिट्स एबसेंट है इसमें। फिर से हार्ट इज वेंट्रल, या सक हार्ट जो होता है इसका वेंट्रल होता है, इसका डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो। वेंट्रल कैसे याद रखिएगा, एक मेरे सर थे हिमांशु वर्मा, उसको से याद रख सकते हैं। HV हार्ट का ऐसा है वेंट्रल। ये पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनाल टेल एबसेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा को भी सब फाइलम में बांटा गया, तीन सब फाइलम में बांटा गया, कौन सा, यूरो कॉर्डेटा, सेफालो कॉर्डेटा और भट्टी बेटा। यूरो कॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ठीक है, ट्यूनिकेट्स, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, सब फाइलम यूरो कॉर्डेटा, सब फाइला, ठीक है, फाइलम का फाइला प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। सब फाइला यूरो कॉर्डेटा एंड सेफालो कॉर्डेटा, ठीक है, आर रिफर टू एस प्रोटोकॉर्डेट्स, दोनों को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, बहुत मेराइन होता है। एंड इन यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स में पहला वाला, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बट ओनली इन लार्वर टेल, समझे, लार्वर टेल मतलब लार्वा स्टेज में ही प्रेजेंट होता है। वाइल इन सेफालोकॉर्डेट्स, सेफालोकॉर्डेट में ये प्रेजेंट होता है हेड टू टेल, हर जगह एंड थ्रू आउट द लाइफ, याद रखिएगा, सेफालोकॉर्डेट्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है यूरोकॉर्डेट का, एस्किडिया, सेल्पा, डोलियम। एस्किडिया का यहाँ डायग्राम भी दिया है, एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, उदास, उदास, यू फॉर यूरोकॉर्डेटा, डी फॉर डोलियोलम, फिर से ए फॉर एस्किडिया, एस फॉर सेल्पा। फिर से सेफालोकॉर्डेटा का भी एग्जाम्पल है, इसको ठीक से याद कर सकते हैं, बाल, बाल मतलब ब्रांकियोस्टोमा। फिर से इसको दो नाम और भी पुकारते हैं, एम्फियोजक्स और लेंसलेट, ठीक है। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रा, तीसरा कौन सा बचा, वर्टिब्रा फाइलम। तीन कॉर्डेट को तीन में बांटा गया था, मैं आपको बताया, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब आया वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कर रहता है उसके पास ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक पीरियड, एम्ब्रायोनिक पीरियड के समय, ठीक है। फिर से नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है क्या चीज से, कार्टिलेजनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम से, कब, इन द एडल्ट, जब एडल्ट होता है तब वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस किससे हो जाता है, कार्टिलेजनस और बोनी वर्टेब्रल कॉलम से, ठीक है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, इजी सा है स्टेटमेंट। ऑल वर्टिब्रेट्स, जितना भी वर्टिब्रेट्स है कॉर्डेट के अंदर ही है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स का तो सब फाइला है, सब फाइलम है कॉर्डेट्स का, बट कॉर्डेट्स, सब कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स तो नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेटा फिर से सेफालोकॉर्डेटा दोनों तो आ रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं, बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रिकल मस्कुलर हार्ट होता है वर्टिब्रेट्स के पास, दो तीन चार चैम्बर होते हैं उसमें, दो या तीन या चार कुछ भी, किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, पेयर्ड अपेंडिजेस होता है, मे बी फिंस और लिम्स, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको, अब सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, कौन सा है। एस्किडिया, सेल्पा, डोलियोलम बिलोंग्स टू फाइलम यूरोकॉर्डेटा, पहला। दूसरा है ब्रांकियोस्टोमा
एम्फियोसेक्सेस और लेंसलेट बिलोंग्स टू फाइलम सेफालोकॉर्डेटा। तीसरा, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स। चौथा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, ज्यादा नहीं टाइम दूंगा। चलिए, आपको लग रहा होगा 3 वाला ठीक है, बट आप लोग गलत हैं। 3 नहीं, यहाँ आंसर होगा 4, ऑल ऑफ द। क्यों? ये क्योंकि यहाँ सब फाइलम होगा। फाइलम कहाँ है? फाइलम तो कॉर्डेटा का है, फाइलम तो कॉर्डेटा का है, बट यहाँ अगर सब फाइलम होता तब 3 होता। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मजा आया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोग को। चलिए अब स्टार्ट कर। अब वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को भी 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला अग्ना था, मतलब जो जिसके पास जॉ ना हो, और एक है जिसके पास जॉ हो। ठीक है, नाथोस्टोमाटा। ठीक है, जो जिसके पास जॉ होता है। ठीक है, इसका इसका एक ही है, इसका एक क्लास है। इसका कौन सा क्लास है? बस साइक्लोस्टोमा, ओनली वन। बट इसमें आता है 2 सुपर क्लास। इसका एक होता है फीसेस और एक होता है टेट्रापोडा। जो फिन्स जिसके पास होता है उसको हम लोग फीसेस बोलते हैं, और जिसके पास लिम्स होता है उसको हम लोग टेट्रापोडा बोलते हैं। फीसेस में आता है कॉन्डियोथिस, ऑस्टियोथिस। ठीक है, इसमें आता है एम्फीबिलिया, रेपिलिया, एप्स, मैमल्स। ठीक है, स्टार्ट कर दें पहले साइक्लोस्टोमाटा से। साइक्लोस्टोमाटा एक्टोपैरासाइट होता है। ठीक है, एक्टोपैरासाइट होता है, सम फीसेस के ऊपर रहता है। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। कितना पेयर्स ऑफ? 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर एस्पायरेशन। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा हैज अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। उसके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विथाउट जॉस, इसलिए ये अग्नथा में है। ठीक है, विथाउट जॉस। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स। इसका बॉडी में कोई भी स्केल्स नहीं होता है। एंड पेयर्ड फिन, इसके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं होता है। पेयर्ड अगर फिन्स होता तो पीसेस में नहीं होता, कॉमन सी बात है। फिर से, क्रैनम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस। क्रैनम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप है। साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन है बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। ठीक है, फॉर स्पॉनिंग। ठीक है, स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाता है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डे दे डाई। स्पॉनिंग के बाद ये लोग मर जाता है। फिर से इसका लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस करके ओशन में चला जाता है, रिटर्न टू द ओशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजन, जिसका आपको डायग्राम भी दिया है, इसको हम लोग लैम्प्रे भी बोलते हैं। एंड माइक्सिन, पीएम कुछ भी याद रखते हैं, माइक्सिन हैगफिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एक दो लाइन इसमें बताया, एक्टोपैरासाइट, कितना पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, स्पॉनिंग, मेटामॉर्फोसिस के पास ओशन में चला जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा। इसका डायग्राम भी देख लीजिए, पेट्रोमाइजन का डायग्राम भी दिया है। अब आता है कॉन्डियोथिस, इसको कार्टिलेजनस फिश भी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है इसका, एक बार हम लोग पहले एनसीईआरटी से देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका और ऑस्टियोथिस का। ठीक है, दे आर मैराइन होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजनस इसलिए हम लोग इसको कार्टिलेजन फीस भी बोलते हैं। माउथ जो होता है वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, गिल स्लिट सेपरेट होता है एंड विदाउट ओपरक्यूलम। एक ओपरक्यूलम क्या होता है? गिल का कवर होता है, बट इसमें जो गिल स्लिट है उसमें इसका कवर नहीं पाया जाता है। स्किन इज टफ, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। इसमें स्केल्स पाया जाता है, साइक्लोस्टोमाटा में स्केल्स नहीं पाया जाता था, इसमें स्केल्स पाया जाता है। और कौन सा इसका स्केल्स का नाम क्या है? प्लेकॉइड स्केल्स, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, टीथ इसका जो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स है, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टली, जिसका वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। ठीक है, देयर जॉस आर वेरी पावरफुल, इसका जॉस वेरी पावरफुल होता है। ये एनिमल्स प्रेडिसियस होता है, शिकारी, प्रेडिसियस मतलब शिकारी। ये लोग को हमेशा तैरना पड़ता है डूबने के डर से, क्योंकि इन लोग के पास एयर ब्लैडर एब्सेंस होता है। ठीक है, इसका डायग्राम भी दिया है, स्क्लॉडियन और प्रिस्टिस का। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसका हार्ट, हार्ट टू चैम्बर होता है, वन ऑरिकल वन वेंटिकल, सम ऑफ देम हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है ये लोग के पास, सम किसी के पास, उसको हम लोग टोरपेडो कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स और पॉइजन स्टिंग किसके पास ये घुमा देता है, दोनों एक ही जैसा नाम लगता है, टोरपेडो ट्राइगन इसलिए, बट मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, ट्राइगन, ट्राइगन गन मतलब जिससे डेथ होता हो, तो इसलिए पॉइजन, पॉइजन ठीक है, पॉइजन खाने से भी डेथ होता है, टोरपेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, दूसरा वाला ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये लोग का बॉडी टेम्परेचर जैसा एटमोसफेयर में होता है वैसा ही होता है, ये लोग रेगुलेट नहीं कर पाते अपना, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डाइसियस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इन मेल्स, मेल्स में पेल्विक फिन्स पाया जाता है, जो क्या उसके पास क्लैस्पर्स होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मीनिंग ऑफ देन आर वीवीपैडस, ये वीवीपैडस होता है, वीवीपैडस जो हम लोग है ठीक है, इसका एग्जांपल है स्क्लॉडियन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कर्कराडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्रीगन स्टिंगरे ठीक है, ट्रीगन फिर से टोरपेडो हम लोग जानते हैं ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका इसका ट्रिक ट्रिक मैं बता देता हूँ, एसपी का टीटिकॉन, एसपी का टीटिकॉन, एसपी से स्क्लॉडियन मतलब डॉगफिश, पी से प्रिस्टिस, प्रिस्टिस से सॉफिश, का से कर्कराडॉन मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्रीगन, टीटी से ट्रीगन, टी से टोरपेडो, कौन से कॉन्ड्रियोथिस ठीक है, इंपॉर्टेंट था, इजी था, याद कर लीजिएगा। अब आता है ऑस्टियोथिस, बोनी फिशेस ठीक है, बोथ मेराइन होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है, उसमें क्या था, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी स्टीमलाइन था उसमें भी, इसमें भी बॉडी स्टीमलाइन है, उसमें माउथ इज वेंट्रिकली होता था, और इसमें टर्मिनल है माउथ, फिन से इसमें फोर पेयर्स ऑफ गिल्स पाया जाता है, गिल्स इसमें कितना पेयर्स ऑफ गिल्स पाया जाता है, फोर पेयर्स ऑफ गिल्स पाया जाता है, बट याद कीजिए आपको मैं गिल्स लिस्ट में बताया था, साइक्लोस्टोमाटा में बताया था, उसमें सिक्स टू फोर क्या बताया था, मैं एक बार बताता हूँ आपको, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स लिस्ट पाया जाता था उसमें, फिर से इसमें कितना पेयर पाया जाता है, इसमें फोर पेयर ऑफ गिल्स लिस्ट ठीक है, बट इसका जो गिल्स लिस्ट है वो कवर किया रहता है ऊपर ओपरक्यूलम से, जो कि गिल का कवर होता है ठीक है, स्किन के पास साइक्लॉइड स्केल्स पाया जाता है, टीनोइड स्केल्स पाया जाता है, बट उसके पास क्या पाया जाता था, कार्टिलेजनस फिश के पास प्लेक्वाइड स्केल्स पाया जाता था, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इसलिए लोग को बायोंसिप प्रोवाइड होता है, इसलिए लोग हमेशा तैरना नहीं पड़ता है, फिर से हार्ट दो चैम्बर, उसका भी हार्ट दो चैम्बर था, दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो भी कोल्ड ब्लडेड था, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट था, फिर से फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ये याद रखिए, एक्सटर्नल अब कितना बार आ चुका, काउंट कीजिए, 4 बार आ चुका है एक्सटर्नल ठीक है, और एक बार आएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल किस में आया था, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, फिर से बोनी फिशेस ठीक है, इसका एग्जाम्पल मेराइन में कौन है, फ्रेश वाटर में कौन है, एक्वेरियम में कौन है, इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, आप जरूर देखें, इसका एक डायग्राम पहले देख लेते हैं, हिप्पोकैम्पस का ड्राइंग है ये, कैटला का है ठीक है, CCFL में ABP ठीक है, CCFL मतलब मैं इसका फुल फॉर्म बनाया हूँ, सेलिब्रिटी क्रिकेट फ्रेंचाइज लीग में ABP न्यूज चैनल है में, उसमें ठीक है, F से फ्रेश वाटर, M से मैराइन, A से एक्वारियम ठीक है, CCFL फ्रेश वाटर में कौन सा है, CCFL मतलब क्या, C फॉर कैटला, C फॉर क्लैरियस, L फॉर लेबियो रोहू ठीक है, मे से है मैराइन ठीक है, इसका ई से एक्सोसिटस मतलब फ्लाइंग फिश, एस से हिप्पोकैम्पस मतलब सी ओर्स, हिप्पोकैम्पस को हम लोग प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो बेली होता है थोड़ा फुलर टाइप का होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं ठीक है, और फिर से एबीपी, एबीपी मतलब
ये एक्वारियम, एक्वारियम से क्या आया, बेटा मतलब फाइटिंग फिश भी बोलते हैं, और टेरोफाइलम एंजल फिश को बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और इजी ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो बार बार पूछते हैं, ऑप्शन में दे देंगे दिस वन इज फ्रेश वाटर बोनी फिश, बट आप एग्जाम्पल याद करके रखिएगा, फिर से आपको यही याद नहीं रहेगा कि फ्रेश वाटर कौन सा है, मेरेन कौन सा है, तब आप गलत करके आएंगे। अब चलते हैं एम्फीविया, एम्फीविया इसका नाम कहाँ से है, एम्फी, एम्फी मतलब ड्यूअल, बायो बायोस मतलब लाइफ, क्यों ड्यूअल, क्योंकि ये एक्वाटिक में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में रह सकते हैं। इसके बाद टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स पाया जाता है, बॉडी को डिवाइड किया गया हेड और ट्रंक में, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, नहीं तो यूजुअली हेड एंड ट्रंक रहता है, टेल भी प्रेजेंट रह सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका हेड है, ट्रंक है, टेल नहीं है, बट यहाँ क्या है, हेड ट्रंक एंड टेल सब में, कुछ कुछ में टेल भी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर से द एम्फीबियस स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, इसका भी स्किन मॉइस्ट होता है, मतलब विदाउट स्केल्स, मतलब ऐसा हम लोग विदाउट स्केल्स एक में पढ़े थे, वो था साइक्लोस्टोमाटा, इस वैसा इसमें भी पाया जाता है विदाउट स्केल, इसमें भी कोई स्केल्स पाया नहीं जाता है। द आईज हैव आईलिड, आईज के पास आईलिड होता है, टिम्पैनम, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स ओपन इन टू ए कॉमन चैम्बर, हमें एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोआका, क्लोआका, ठीक है, विच वो बाहर जाकर खुलता है, ये याद रखिए, क्लोआका इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीविया, ठीक है। रेस्पायरेशन इज बाय लंग्स, इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, रेस्पायरेशन तीनों जगह से होता है। द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, हार्ट इसमें थ्री चैम्बर होता है, दो ऑरिकल्स और वन वेंटिकल होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, पोइकिलोथर्म होता है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब डाइसियस होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, अब आ गया ये एक और एक्सटर्नल, अभी तक कितना में हम लोग ने देखा था, हम लोग ने चार में देखा था, टीनोफोड़ा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, फिर से बोनी फिशेस, अब आ गया एम्फीविया, ये पांच में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बस आप ये पांच ही याद रखिएगा, और जो उतना भी होगा सब में आप इंटरनल बोल सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दे आर ओविपैरस, ओविपैरस होता है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बूफो, टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंडर, सेलेमेंडर ये इंपॉर्टेंट है, लिमलेस एम्फीबिया, इथायोफिक्स को भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा, इवोल्यूशन में पढ़ा होगा। चलिए अब देखते हैं इसका रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स क्या है, अब देखते हैं रेप्टाइल्स के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेप्टाइल्स द नाम, द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्लॉरिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्यों, ये क्रीप और क्रॉल, ठीक है, इसी के कारण लोगों का नाम रेप्टाइल्स पड़ा, ठीक है, क्योंकि लैटिन वर्ड है रिपेयर लेप्टम, उसका मतलब तो टू क्रीप और क्रॉल, ठीक है, ये हमेशा क्रीप और क्रॉल कहते हैं, इसलिए इसका रेप्टाइल्स नाम पड़ा। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय डाई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है, कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है, इपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स आर प्रेजेंट, स्केल्स पाया जाता है, स्केल्स में बोला था दो ही में एबसेंट होता है, वो कौन सा, एम्फीविया और साइक्लोस्टोमा, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इन लोगों के पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, लिम्स अब प्रेजेंट है टू पेयर्स होता है, हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, ये क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल्स पोइकिलोथर्म होता है, मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है, स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स, स्किन कास्ट, हम लोग देखते हैं स्नेक्स का, हम लोग कभी देखे होंगे, आप लोगों ने गांव में गए होंगे तो इस अपना स्केल्स स्किन कास्ट पे रिमूव करते हैं स्नेक्स, सेक्सेस आर सेपरेट होता है, डाइसियस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ओविपैरस डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसका इतना सारा एग्जांपल है, आपको थोड़ी तकलीफ होगी बट याद करना पड़ेगा, एक छोटी सी ट्रिक है आपको थोड़ी मदद करे,
ठीक है, हमने हमने से हेमिडेक्टाइलस, इसका दूसरा नाम आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये सब में से देखकर हमने 4 cc मतलब 4 cc कैलोटिस केलोन क्रोकोडाइल कैमलियन हमने 4 cc बंगाल का भुजिया टेस्ट के लिए कोबरा अली को दिया। ठीक है, ये ट्रिक है। हमने से हेमिडेक्टाइलस 4 cc से 4 cc मतलब कैलोटिस केलोन क्रोकोडाइल कैमलियन बंगाल से बंगारस भुजिया से भाईपा टेस्ट से टेस्ट्यूडो टेस्ट्यूडो फिर से कोबरा से नाजा और कोबरा अली से एलिगेटर। ये मतलब याद करने का तरीका है, आपको मोस्टली याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम एप्स देखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग का एप्स। ठीक है, एप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ फीदर, अगर फीदर प्रेजेंट होगा तो वो है एप्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब ज्यादातर फ्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिस को छोड़कर बहुत सारे फ्लाई कर सकते हैं। दे पोजेस बीक, चोंच होती है इन लोगों के पास। फोलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोलिम जो होती है इसका मॉडिफाइड होता है विंग्स के लिए। हाइंड लिम्स जनरली स्केल्स किसके पास होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है स्केल्स किसके पास होता है, फोर लिम्स हैंड लिम्स, तो हाइंड लिम्स के पास स्केल होता है जो मॉडिफाइड होता है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए ट्री, क्लैस्पिंग मतलब पकड़ने के लिए ट्री ब्रांचेस। फिर से स्किन इज ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड, स्किन ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड होता है, एक्सेप्ट कौन सा ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द ट्री। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द ट्री। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, ठीक है, फुल्ली ऑसिफाइड, एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होता है, बोनी होता है, कार्टिलेजनस थोड़ा सा भी पाया नहीं जाता इसमें, बट हम लोग में दोनों पाया जाता है, बोनी प्लस कार्टिलेजनस दोनों। एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, लॉन्ग बोन होते हैं जो हॉलो होते हैं, उसमें एयर कैविटीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एयर कैविटीज, उसको हम लोग न्यूमेटिक बोन्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर, ये लास्ट ईयर आया था। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर, क्या नाम है उसका? क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, हार्ट इज कम्प्लीटली 4 chambered हम लोग के जैसा। दे आर वार्म ब्लडेड, पहली बार आया है वार्म ब्लडेड जैसा हम लोग है, होम्योथर्मस, नहीं तो जब बाकी सब पीछे जो भी था वो पॉइकिलोथर्म्स था, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, मतलब क्या है वार्म ब्लडेड, मतलब दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इसका एटमोसफियर के साथ बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। रेस्पायरेशन इज बाई लंग्स, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दे आर ओविपेरस, ये ओविपेरस है, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कॉर्फस क्रो, कोलम्बा पिजन, सीताकुला, पैरट, स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, एप्टिनोडाइटिस, पेंगुइन, नियोफ्रॉन वर्चल। ये एग्जांपल काफ़ी घटिया सा है, बट क्या करें, याद करना पड़ेगा, बट एक हेल्प है, छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। आप समझिए, सीता एक लड़की है, सीता पान खाती है, ठीक है, सीता पान खाकर कोलंबस के ऊपर थूक देती है। ठीक है, कोलंबस एक लड़का का नाम है। ठीक है, तो सीता पान को कोलंबस थूक दियो बोलते हैं हम लोग जैसे। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, थूक दियो नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे स्ट्रुथियो। ठीक है, थोड़ा साउंड सिमिलर है, राइमिंग कर रहे। सीता से सीताकुला पैरोट, पावो पान, सीता पान से पावो, पी से पावो, पावो मतलब होता है आपका पीकॉक, ए से एप्टिनोडाइटिस मतलब पेंगुइन, न्यूफ्रॉन से वल्चर, पान को कॉर्वस मतलब क्रो, और कोलंबस मतलब होता है पीजन, एंड स्ट्रुथियो मतलब ऑस्ट्रिच, याद रखिएगा। और लास्ट है हम लोग का अपना मैमेलिया, का सब जानते हैं हैबिटेट होता है,
पोलर आइस कैप्स, डिजर्ट माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्लास लैंड एंड डार्क कैप्स। ठीक है, सम ऑफ देम आर एडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ फ्लाई भी कर सकते हैं, कोई पानी में भी रहता है। मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड यूनिक है, अगर मेमरी ग्लैंड प्लेन है तभी हम लोग मैमल्स बोलते हैं, इसी से आया है मैमल्स। हम लोग मेल्स और फीमेल्स दोनों में भी मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में भी, बट मेल्स का वेस्टिजियल होता है बाय विच द यंग वंस आर न्यूरिस्ट। ठीक है, दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग एंड स्विमिंग और फ्लाइंग। ठीक है, ये आप चार डायग्राम दिया है, ये है ऑर्निथो राइनस, मैक्रोपस, टेरोपस, बेलियोटेप्ला। ठीक है, ये है ऑर्निथोराइनस। ये हम लोग मैमल्स ज्यादातर, मतलब मोस्टली विविपैरस होते हैं, बट ये एक ऐसा है जो ओविपैरस है। ठीक है, ये मैक्रोपस, टेरोपस, फ्लाइंग फिश, ये ब्लू वेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैमल इज यूनिक। ठीक है, एक यूनिक कैरेक्टर है कि हम लोग का स्किन, हेयर स्किन में पाए जाते हैं, इसी को हम लोग मैमल का एक यूनिक कैरेक्टर पर बजाते हैं। और एक्सटर्नल पियर्स और पिन्ना प्रेजेंट होता है, हम लोग को पता है। डिफरेंट टाइप्स और टीथ आर प्रेजेंट, हेटरोराउंड, होमोराउंड जानते हैं। हार्ट फोर चैम्बर होता है। ठीक है, होम्योथर्म वार्म ब्लडेड होते हैं, रेस्पिरेशन लंग से होता है, सेक्सेस आर सेपरेट होता है, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपैरस एंड विविपैरस होता है विथ फ्यू एक्सेप्शन। फ्यू एक्सेप्शन क्या है, ये और नाइथोराइनस प्लेटिपस, इसको प्लेटिपस बोलते हैं, ये ओविपैरस होता है। ठीक है, और सब विविपैरस होता है। और ये सब नाम याद देख लीजिए, मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं, कैमेलस कैमल को बोलते हैं, मक्का का मंकी को बोलते हैं, रैटस रैट को बोलते हैं, कैनिस डॉग को, फेलिस कैट को, एलिफेस एलिफेंट को, इक्वस हॉर्स को, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन को, बेलियन नेप्टेरा ब्लूवेयर को, पैंथेरा टाइगर, टाइग्रिस टाइगर को, पैंथेरा लियो लायन का। ये आप सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, डेवलपमेंट का जो मैं आपको बताया था कि क्या क्या है डेवलपमेंट, देखिए दोनों मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो जो ए से स्टार्ट होता है एब्स को छोड़कर उसमें है। एस्क्लेमेंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, ये हुआ सब नॉन कॉर्डेट्स का, प्लस एक कॉर्डेट्स में भी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, एम्फीविया। ठीक है, और बाकी सब जितना भी बचा, ठीक ना, क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में जितना भी बचा वो सब इनडायरेक्ट हुआ नॉन कॉर्डेट्स में, और जितना कॉर्डेट्स में बचा वो सब डायरेक्ट हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीडीएम ये सब में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बट ये आपको मैं ये ट्रिक दे रहा हूँ जिससे, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाएगा। आप अब कोई दूसरा कोचिंग का लेकर आएंगे तब आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट एनसीईआरटी और आप जानते हैं नीट में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बट एक याद रखिएगा, एक ऐसा कॉर्डेट्स है जिसमें इनडायरेक्ट पाया जाता है, यूरोकॉर्डेट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, क्या क्या मैं आपको मैं बता चुका हूँ, पांच ठो में, टीनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर से बोनिफिसेस, फिर से आपका एम्फीविया। ठीक है, इंटरनल इस सब में होता है, आपको कुछ बस आप ये याद रखिए इंटरनल, और जो भी आएगा आप इंटरनल कर दीजिएगा, बट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये बस एनसीईआरटी लेवल के लिए। अब आप बोलेंगे कि बाहर से नहीं आएगा, आप विश्वास रखिए, आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी लेवल या फिर अभी जो नीट का लेवल चल रहा है उसके हिसाब से सब क्वेश्चन हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ दिया है, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, अच्छा है। तो फिर पहला है
सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पहला प्रेजेंट किस में हुआ? एनलिडा में। कौन सा? क्लोज। उसके बाद जिसमें प्रेजेंट हुआ वो सब में ओपन ओपन ओपन, ठीक है। हम लोग में भी हम लोग में क्लोज, ठीक है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ आया? एस्क्लेमेंथिस में। हम लोग जानते हैं उसका एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है। फिर से ये इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद रखिएगा हमेशा, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम और फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट डाइजेस्टिव। कंप्लीट, कंप्लीट मैं बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट नहीं, मैं आपको सब बता चुका हूँ वीडियो लेक्चर में। चलिए, तब ये आपका, ये था आपका एनिमल किंगडम। चलिए, आप इसके क्वेश्चन लगाइए, अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका सपोर्ट जरूरी है। चलिए, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। It's not a game, it's a rage thing.